प्रणाम। देखिए हम जब भी आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगता होगा कि इनका आजकल ढेरे बोल बिगड़ने लगा है, लेकिन करें का बोल अगर हम नहीं बिगाड़ेंगे तो आप लोग जानिएगा कैसे। अभी देखिए हम जहां बैठे हैं हमारा कंप्यूटर है, एकरा में हम कुछ खोल के बैठे हैं, देख रहे थे, थोड़ा होता है ना व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर तो यह सब देख रहे थे, अचानक एक चीज पर हमें नजर पड़ गया तो लगा हमको थोड़ा सा आपको भी बता दें। अपने साथी से हम अपील करेंगे कि थोड़ा सा कैमरा को यहां क्लोज कराएं। देखिए ये नाम जो दिख रहा है आप लोगों को, इस संजीव कुमार सिंह कोनो छोटा मोटा नाम नहीं है, और इनका जो फेसबुक वॉल पर आप देख रहे हैं फोटो, ये फोटो जो है ये बहुत बड़ा चेहरा है, और ये है संजीव कुमार सिंह। ये देखिए माउस का कर्सर आपको दिखता है, ये संजीव कुमार सिंह है, और ये जो है पंडित काशीनाथ झा। तो जो भी आदमी भाजपा का राजनीति करते हैं, भाजपा में रुचि रखते हैं, तो उनको तो काशीनाथ झा से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अब हम इनकर फेसबुक धीरे धीरे नीचे से सारते हैं, देखते जाइएगा आप लोग। जय श्री राम। साफ हो गया कि संजीव कुमार सिंह जी जय श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। आज मंगलवार है तो हनुमान जी, समझ गए, मतलब साफ है कि ये भाजपा का प्योर नेता है। अब चलिए थोड़ा नीचे आइए, ई वाला पोस्ट को जरा पढ़िए। सेवा में श्री दीपक प्रकाश जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, विषय भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता पद से इस्तीफा देने के संबंध में। तो अब आपको सार हम बताते हैं, क्योंकि लिखे तो बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब साफ हो गया कि सरायकेला खरसावां जिला भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मतलब समझ में आया ना। 10 दिन पहले भी इसी तरह का कुछ हलचल हुआ था, याद आया एक बार फिर, लेकिन इस बार ट्रेंड थोड़ा बदला हुआ है। ट्रेंड बदला हुआ है मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से संजीव बाबू ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने का क्या कारण है वो तो संजीव बाबू से मिलकर ही पता चलेगा, उनसे मिलते हैं, लेकिन सार यही है कि संजीव बाबू कहीं ना कहीं पार्टी के जो वर्तमान कमिटी बनी है उसको लेकर उनमें नाराजगी है। तो अब संजीव बाबू को खोजते हैं, ढूंढ के निकालते हैं, आपको भी उनके अंदर की बात थोड़ा हम प्रयास करेंगे निकालने का, थोड़ा आप प्रयास करिएगा। एक बार अपने साथी से एक बार और अपील करते हैं कि उनके फेसबुक को और थोड़ा सा क्लोज करें। देखिए ये तो इस्तीफा, इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद देखिए इस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। जो इनके शुभचिंतक हैं उन लोग को नाराजगी है, ऐसा उन्होंने क्यों किया संजीव जी बताएंगे। लेकिन अब देखिए उनका पोस्ट देखिए, कहीं से भी उन्होंने भाजपा के चाहे जितने भी कार्यक्रम रहा हो सब में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से या कार्यक्रमों के माध्यम। अच्छा इतना ही नहीं, विपक्ष पर भी, अगर विपक्ष कोई बढ़िया काम, मतलब विपक्ष नहीं हम कहें सत्ता में कोई आदमी अगर बढ़िया काम कर रहा है तो उस पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। देखिए अच्छा काम किए हैं, नगर निगम के आयुक्त को हटाया गया उस पर इन्होंने हेमंत सोरेन की सराहना की है, चंपाई सोरेन की सराहना की है। अब देखिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उन्होंने बढ़ाया है, बड़े नेताओं को उन्होंने शुभकामना भी दी है, मतलब हर स्तर पर कहें तो भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता संजीव जी रहे हैं। आप देखिए उनका उनका उनके फेसबुक वॉल पर कभी भी आपको ऐसा नहीं रहा हो लगता होगा कि जिसे और पार्टी के विरोध में कभी उन्होंने काम किया है। ऐसे में अगर भाई आप देखिए, देखिए मोहन भागवत जी, मतलब कह सकते हैं कि ये भाजपा के बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं, और इनके फेसबुक वॉल को आप खोल के जहां तक जाना चाहिए चले जाइए, पार्टी के हर कार्यक्रमों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देखिए हर कार्यक्रम पर इन्होंने अपनी जो भूमिका होनी चाहिए वो निभाई है, और अकेले नहीं बल्कि अपने समर्थकों के साथ निभाई है।
तो निश्चित तौर पर संजीव जी को अगर हम कहें तो वो एक समर्पित कार्यकर्ता सरायकेला के लिए रहे, हालांकि ये प्रदेश जो युवा मोर्चा की जो कमिटी थी उसमें ये सदस्य रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए लालसा सबो को होती है, और इनका जो इस्तीफा में जो बात सामने आई है उसमें उन्होंने अपनी भावना प्रकट भी की है। तो संजीव सिंह जी से आप लोग रूबरू कराते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए हमारे पास संजीव जी भी आ गए हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाले हैं, कहे कि फेसबुक पर इस्तीफा सौंपने के बाद ये भूमिगत हो गए थे, लेकिन मुश्किल से ढूंढ के इनको लेते आए हैं। अब पहले इन्हीं से जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। संजीव जी, आपने प्रदेश अध्यक्ष को जो इस्तीफा सौंपा है ये तो तय है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और आज से नहीं आपको जहां तक हम जान रहे हैं, सब कहना चाहेंगे सर जी, झारखंड की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर सभी को हमारा जय श्री राम और जोहार। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आप जहां तक हम आपको जानते हैं कि आप जो है पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और कई कार्यक्रम अभी से हमने आपका फेसबुक वॉल भी चेक किया, फेसबुक वॉल पर इस्तीफा देने का क्या मतलब है, थोड़ा ये पहले अपने दर्शकों को बता दें। देखिए मैं लगभग 24-25 साल से हूँ और एक सक्रिय भाजपा का कार्यकर्ता का हर निर्वाह पूरा किया हूँ, पर अभी का जो भाजपा संगठन अभी चला रही है यहाँ पे सरायकेला खरसुआ में, वो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिला पा रही है, ना उनके मन को टटोल रही है और ना ही उनके भावनाओं के साथ कभी आती है। वो पूरी तरह से सक्रिय कार्यकर्ताओं का नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मैं इस्तीफा इसलिए दिया फेसबुक के माध्यम से ताकि प्रदेश भाजपा संगठन सरायकेला खरसुआ के संगठन के बारे में सोचे और उसे ठीक करने का काम करे बलिदान से। अगर भाजपा का मनोबल ऊंचा होता है, सरायकेला खरसुआ भाजपा का कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है और मजबूत बनती है, तो इससे सबसे ज्यादा खुशी मेरी को होगी। तो देखिए संजीव जी चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो आगे आए, अभी ये बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी इनमें बहुत राजनीति बची हुई है, 25 साल की राजनीति इन्होंने कर ली, 25 साल में इनको मिला कुछ नहीं, हालांकि जितने जोश और जुनून के साथ ये पार्टी से जुड़े रहे, तो लालसा सबको होती है। अभी नई कमेटी बनी, क्योंकि प्रदेश में भी जो भाजपा का दुर्गति हुआ विधानसभा चुनाव में वो आप लोग भी जान ही रहे हैं, अब नए सिरे से पार्टी का जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, तो भैया सबको थोड़ा थोड़ा लोभ होगा ना। अब सरायकेला खरसावां जिले की अगर हम बात करें तो इसमें तो अभी 10 दिन पहले जो ड्रामा हुआ है किसी से छिपा नहीं है, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, डिप्टी मेयर, सब कोई जो है वर्तमान कमिटी से नाराज है। अब ये भाई ये भी नाराज हैं, लेकिन इनके अंदर में एक चीज जो दिख रहा है, ये कहते हैं कि हमको पार्टी से कोई ईर्ष्या द्वेष या कोई रार नहीं है। तो अब बताते हैं उसमें इन्होंने एक शब्द जोड़ा है, इनको तकलीफ भाजपा से नहीं है, इनको तकलीफ किससे है, पॉकेट कमिटी से। वही वाली बात है ना, 10 दिन पहले वाली बात, वो लोग यह कह रहे पॉकेट कमिटी। तो एक चीज बताया जाए, एक चीज समझ में नहीं आता है कि पॉकेट कमिटी है क्या। संजीव जी इसको थोड़ा सा आज आप स्पष्ट कर ही दीजिए कि पॉकेट कमिटी आप लोग किसको बोलना चाह रहे हैं। देखिए ये तो साफ तौर पर दिखता है, पॉकेट कमिटी का मतलब यह है कि संगठन में जिसको जिम्मेदारी मिली है वो जमीनी तौर पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो किसके शरीर वो पॉकेट, तो पहले भी यही हुआ है, वो किसके पॉकेट अभी उसी ढांचा पे चलने का काम हो रहा है। पॉकेट का मालिक है कौन, देखिए खुल के बता दीजिए, क्योंकि ये बातें जो सामने बार बार आ रही है, लोग भी त्रस्त हैं, जो दर्शक आप लोग त्रस्त हैं कि नहीं है। तो आज पॉकेट कमिटी किसके शरीर में वो पॉकेट है, किसके कमीज में वो पॉकेट है, थोड़ा सा संजीव जी खुलासा कर ही दीजिए। नहीं वो तो लोग सभी समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से संतोष जी भी हम लोग क्षेत्र के हैं तो वो भी साफ तौर पर समझ रहे हैं, पर मैं बोलना चाहता हूँ मेरा इशारा काफी है, और इसका आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग चुनाव हारे हैं,
हम लोग मजबूती से काम करेंगे। आप लोग लगातार हार रहे हैं, हार जीत तो चलते लगातार हार रहे हैं। सांसद का चुनाव भी, लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, तीनों जो आपके क्षेत्र में आता है यहाँ तीनों का तीनों सीट हारे हैं। इसीलिए तो मैं संतोष जी अब कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बार कम से कम कार्यकर्ताओं का अच्छी तरह मान सम्मान दिया जाए, ध्यान दिया उसे काम में जमीनी तौर पर काम करने का, ये माना जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ये माना जाए कि पहले भी इस चीज यही गलती हुई थी एकदम, क्योंकि जमीनी तौर पर काम नहीं हुआ है। मैं जमीनी तौर पर आज भी बोलता हूँ कि अभी भी काम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ। जमीन में तौर पर लड़का लोग, कार्यकर्ता लोग कैसे एक दूसरे से समन्वय बनाए, कैसे एक दूसरे का जनता का साथ मिलकर उसका आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, सब में उसको बताए कि हमारा भाजपा और हमारे देश का जो केंद्र का क्या क्या जलकानी योजना है, तो ठीक है बताने काम ही नहीं। तो इतना जो तामझाम हुआ पिछला 5 साल 6 साल से जो हम लोग देख रहे हैं, केंद्रीय योजना से लेकर के राज्य का योजना, जैसे आपके जो पहले के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, नो डाउट काम किया। इसका मतलब साफ यही हुआ ना कि कार्यकर्ता लोग जमीन से जुड़ करके जो जो सरकार की जो योजना थी वो जमीन व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए एकदम, और इसी को हार का कारण मानते हैं एकदम। देखिए निकल गया ना मुद्दा, झारखंड में भाजपा की दुर्गति का मुद्दा देखिए एक जमीनी कार्यकर्ता आज बयां कर दिए। निश्चित तौर पर झारखंड में जो रघुवर सरकार थी, पिछली सरकार, उनकी कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया गया, वो आज एक कार्यकर्ता होने के नाते संजीव जी स्वीकार कर रहे हैं कि वो वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचा। सारी योजनाओं की अगर हम बात करें, आयुष्मान योजना से लेकर उज्ज्वला योजना, जितनी तरह की योजनाएं थी, कन्या सुकन्या, जितनी तरह की योजनाएं केंद्र सरकार की थी, आज भी वो जेन्युइन व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बता रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और अब संजीव जी से हम ये भी जानने का प्रयास कर लेते हैं कि संजीव जी का अगला कदम क्या हो सकता है। संजीव जी, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, पार्टी स्तर पर इसका क्या रिएक्शन होगा ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, और चूंकि आपने सोशल मीडिया पर डाला है, पार्टी फोरम पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, तो क्या हम ये मान के चले कि आपने सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया है, और आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने जो बातें रखी है या जो भी बातें बोली है, अगर उस पर पार्टी जरूर विचार करेगी, अगर इस सब बात बोलने से भी अगर मेरे को पार्टी जो भी करती है मेरे लिए फैसला, मैं उसको सर आंखों पे लूंगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप पूरी तरह से कहा जाए कि पर जो गलत है मैं हर समय आवाज उठाऊंगा, क्योंकि जमीनी तौर पर काम करने का आज भी हम लोग को जरूरत है। इसके पहले भी इतना अच्छा रोड बना, वो रोड हमको लगता है कि पूरे इंडिया में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, हम लोग आदिपुर कांडा रोड सर अर्जुन मुंडा जी ने बनाया, मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन शायद उसका भी हम लोग ठीक से कार्यकर्ता लोग पालन नहीं कर सके, हर घर घर में नहीं बता पाए कि हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने क्या क्या किया, इसके चलते हम लोग हारे हैं। अगला कदम क्या उठाइएगा? अगला कदम कुछ नहीं, अपना जो हिंदुत्व के लिए जितना अच्छा काम होगा, हर संगठन जो संस्था अच्छा काम करेगी उसके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। संजीव जी एक चीज बताइए, हमने आपके फेसबुक वॉल को अभी चेक किया, फेसबुक वॉल पर हम ये देख रहे हैं कि आप जो न केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, आप जो अभी जो झारखंड में वर्तमान हेमंत सरकार है, आपने उनके कार्यों की सराहना की है, उसको किस अंदाज से लिया जा सकता है? नहीं, आदिपुर नगर में जनता बहुत दुखी थी, बहुत काम नहीं हो रही थी, बहुत काम रुका हुआ था, और मेरे ख्याल से अभी नए अपर आयुक्त हैं, आए हैं, तो उनसे हम लोग की बहुत आशा है। इसके पहले जो थे नगर आयुक्त, वो अच्छे से काम नहीं किए, बहुत जगह रोड खुदा लेकिन उनका ठीक ढंग से रोड का, आज भी पब्लिक लोग बोलते हैं रोड तो खोद दिया, बना दिया, लेकिन कुछ ऊपर से फिर बराबर भी नहीं किया, तो ये नगर आयुक्त का दोषी थे। तो कम से कम उनका जो ट्रांसफर हुआ है, तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद दिए थे उसको कि ये अच्छा काम हुआ, और अच्छा काम जो भी करेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, उससे धन्यवाद देने का। और अभी नगर अपर नगर तो है, उनसे हमारे बहुत सामान्य है आदिपुर नगर। देखिए बातें अगर कहें तो बहुत होगी, लेकिन संजीव जी ने इतना जरूर संदेश दे दिया है कि अब वो दिन नहीं रह गया कि दब कर रहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं
की फौज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दावा किया जाता रहा है कि हम अपने अंतिम व्यक्ति तक अपने विकास योजनाओं को पहुंचाते हैं, अपने अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ कार्यकर्ता को भी हम मुख्य धारा में लाते हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन जमीन पर जुड़कर 25 साल तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आस लिए व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज किया जाता है तो इस तरह का विरोध भी देखने को मिल सकता है। चलिए, संजीव जी ने भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं जताई, ये अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी में है, इनकी अपील है कि युवा नेतृत्व को मौका मिले, युवा आगे आए। और जिस तरह से सरायकेला भाजपा में जो मचा हुआ है भगदड़ और कोहराम, इस पर विराम अगर नहीं लगता है तो अभी लोकसभा हारे हैं, विधानसभा हारे हैं, अगला विधानसभा उससे पहले नगर निगम का चुनाव होना है, वो चुनाव भी पार्टी बेसिस पर होना है, बहुत कुछ देखना है अभी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन केंद्र और राज्य की, केंद्र अब तो राज्य रही नहीं, केंद्र की योजना अभी भी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, उस पर जो वर्तमान कमेटी बनी है, जिनको जिम्मेदारियां दी गई है, उनको पहुंचाना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप फोटो खींच के डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उससे बचना होगा। संजीव जी, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपेक्षा करते हैं कि आप जो है पार्टी हित में काम करते रहे, पार्टी को और ऊंचाई तक लेके जाए, लेकिन हम ये भी प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ जो बात हुई है ये अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और आपकी भावना को उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। धन्यवाद।